यदि आपको कम समय में राइस की रेसिपी बनानी है तो इस अनियन पुलाव की रेसिपी को ज़रूर बनाएं। कढ़ाई में बनाएंगे और इसे बनाने में केवल 15 मिनट लगेंगे। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए एक बर्तन में हम एक ग्लास चावल ले लेंगे। मैं यहाँ पर बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। चावल को पहले पानी से अच्छे से धो लें। हमें इसे भिगो के नहीं रखना है, बस पानी से अच्छे से धो के निकाल लेंगे। चावल धोने के बाद हम इसमें 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/3 छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच घी डाल देंगे। इन तीनों को अच्छे से मिला दें। जब भी आप पुलाव बनाएं तो ये प्रोसेस एक बार ज़रूर फॉलो करें। यदि आप पुलाव में हल्दी नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, बस घी और नमक मिला के चावल को रख दें। अब हम कढ़ाई में तेल या घी गरम करेंगे, जो आपको पसंद है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 से 1.5 इंच दालचीनी और 2 तेज़पत्ता। धीमी आंच पर इन्हें थोड़ा फ्राई हो जाने दें। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने ऐसे लंबाई में काटा है। प्याज को धीमी आँच पर 2 से 3 मिनट हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल को बिल्कुल भिगो के नहीं रखा है। चावल डालने के बाद हम इसे 1 मिनट धीमी आंच पर भून लेंगे। इसमें तुरंत पानी नहीं डालें, पहले 1 मिनट धीमी आंच पर चावल को भून लें। तो यहाँ पर चावल और प्याज अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 3/4 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गर्म मसाला डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हमने 1 ग्लास चावल लिया है, उसका ठीक 2 गुना पानी डालेंगे। तो ये 2 ग्लास पानी डाला मैंने। स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। ध्यान रहे कि हमने हल्दी पाउडर और नमक पहले भी चावल में डाला है, तो नमक और हल्दी पाउडर हिसाब से डालें। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन लगा के 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर चावल को पकने देंगे। 8 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाया मैंने। आपको नाइफ से इसे एक बार ऐसे चेक कर लेना है। यदि नाइफ पूरा ड्राई निकल रहा है, मतलब कि चावल में पानी नहीं है, तो गैस बंद करना है। तो यहाँ पर चावल में थोड़ा सा मॉइस्चर मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 2 मिनट चावल को पकने देंगे। 2 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और इसे नाइफ से एक बार फिर ऐसे चेक कर लेंगे। नाइफ़ पूरा एक्सट्रीम ड्राई निकल रहा है, मतलब कि चावल में पानी नहीं है और ये अच्छे से पक गया है। गैस का फ्लेम अब ऑफ कर दें और कढ़ाई को 5 मिनट ढक दें। 5 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाया मैंने और ये देखिए, चावल एकदम खिले खिले और एक एक दाने अलग। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ खिले खिले पुलाव जो है वो आप ऐसे बनाएं। अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए आप राइस एक साइड से निकालें, पूरा मिक्स नहीं करें, इससे चावल जो है वो टूटेंगे नहीं। आप चाहें तो पुलाव के साथ प्लेन दही या रायता सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो पुलाव प्लेन भी खा सकते हैं। तो आप भी सुपर टेस्टी और केवल 15 मिनट में बनने वाली पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। और यदि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से क्लिक करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलें।